Hey guys, welcome to our channel Life Shorts. I am Swikriti. I am Anukriti. So we are back with our new video and today we are doing soft versus crunchy challenge. So guys, आप लोगों को हमारे ये soft versus crunchy और musky versus वाले challenges काफी पसंद आ रहे हैं. तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया लेकर आया जाए. तो फिर आज हमने लेकर आया soft versus crunchy. मतलब कि हमारे पास दो type के foods होंगे. मतलब कि कुछ सॉफ्ट है और कुछ क्रंची है और इस चैलेंज में टोटल 5 राउंड्स होंगे और वो हम डिसाइड करेंगे चिट से कि किसे हर राउंड में किसे सॉफ्ट खाना है किसे क्रंची खाना है. तो हमारे पास है ये दो चिट्स और तो जिसे जो आएगा लाइक अगर मेरे पास सॉफ्ट आता है तो मुझे सॉफ्ट फूड खाना होगा, अनुकृति को क्रंची खाना होगा अगर उसके क्रंची आए तो. और हम दोनों एक दूसरे के लिए डिसाइड करेंगे कि हमें क्या खाना है. हाँ. तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हमारा चैलेंज स्टार्ट करते हैं. उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, ये है सारी सॉफ्ट, ये है सारी क्रंची चीजें. तो हम आपको पहले बता देते हैं कि ये क्या क्या है. ये है किटकैट, ये है आलमंड्स बादाम, ये है नाचोस, ये है सोया स्टिक, ये है रोस्टेड पीनट्स. तो सॉफ्ट में हमारे पास है पीनट बटर, मैंगो आइसक्रीम, दिस इज बादाम हलवा एंड दिस इज जेली मजा फ्रूटी चीज गुआवा 10 पीस दिस वन. सो देखते हैं सबसे, ये रहे हमारे पास दो चिट्स. तो देखते हैं सबसे पहले किसे क्या मिलता है. सॉफ्ट क्रंची. तो स्वीकृति पहले बताइए प्लीज मुझे क्या मैं आपको दूंगी. ये This taste of tradition badam halwa by Haldiram Nag. Okay, okay, समझ गए. अब मैं स्वीकृति को क्या दूँ? ये peanuts. Okay. मैं इसका peanuts का munching करूँ? ना मैं ये तब तक खाती हूँ. जब तक अनुकृति वो अपना बादाम हलवा खा रही तब तक मैं peanuts. Okay. ये रहा बादाम flavour का बादाम हलवा. ये ऑरेंज कौन सा फ्लेवर? ओके ये बादाम फ्लेवर का ही. हाँ सारे बादाम ही है. बादाम हलवा तो बादाम फ्लेवर का ही. सबके पास सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर है. ओके लेट्स ईट दिस थिंग. वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये. मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है. दिस इज ऑरेंज फ्लेवर. मैं अपना सॉफ्ट का काउंटर खराब नहीं करना चाहती. कितने मेहनत से मैंने अंदर डाला ये वापस. चाहिए मैंने अपना क्रंची वाला टास्क पूरा किया. ओके कंटिन्यू. ओके सो राउंड टू टू टन 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 टन. अब जो आ गया किस्मत में क्रंची सॉफ्ट. व्हाट विल यू गिव मी? मेरा क्या है सॉफ्ट था. आई विल गिव यू सोया स्टिक्स. ओके सो आई विल गिव यू. She loves mango, so I will give her mango. I'm a good girl, good sister. She also loves soya sticks. No? Yeah, soya stick. I will eat this mango. This is mango season. And I love mango. But you should not eat a lot of mango. Otherwise, you will be like a mango. Okay, open this. Oh, okay. It is real crunchy. Mm-hmm. It is really soft. It is really crunchy. Mm. And I like it, really. I can hear it. मैं दो मैंगो का पीस एक साइड रखा है. Okay. I really enjoyed this round. I also enjoyed this round. Round three. Round three. Oh. आइसक्रीम में मुझे तो लगा हाँ सीरियसली आइसक्रीम में चला. ओह आई गॉट क्रंची. ओह आई गॉट सॉफ्ट. व्हाट विल यू गिव मी? आई विल गिव यू नाचोस. शी लव नाचोस. ओके शी विल स्टार्ट नाचिंग आफ्टर दिस. आई विल गिव हर दिस फ्रूट च्यू जिसका कंप्लीट डिटेल बताया था. जेली मजा फ्रूटी चीज गुआवा 10 पीस 37 ग्राम nutritional fat but is having sugar liquid glucose guava pulp. Oh, ye wala aur ye nachos. ye hai spicy gelatin gelatin. ye waise ka smell bhi strong hai. this is guava candy. this is very spicy.
it is not supposed to be of this color, yaar. Spicy and crunchy. It is so soft. Look. It is sticky also. Okay. Eat it. ये फ्लेवर मैंने पहली बार खाया है अच्छा लग रहा है मतलब कि इस खाया तो मैंने यार स्पाइसी हल्की नहीं खाया ना नहीं खाया डोरिटोस को खाया मैंने नहीं अरे ये वाला कौन सा है नहीं वाला नहीं खाया शायद यार राउंड चल ये भी गया मेरे बेचारे क्रंची सॉफ्ट सब कुछ ये क्या हो रहा है ओके मेरा क्या आया अरे मैं हर बार पूछती हूँ सॉफ्ट मेरा क्रंची है दिस आलमंड्स आलमंड्स ओके एंड यू विल हैव दिस पीनट बटर आई विल हैव दिस पीनट बटर जब तक स्वीकृति निकालती है तब तक मैं ये खाती हूँ ओके नो प्रॉब्लम आई लाइक पीनट बटर आई आल्सो लाइक आलमंड्स तो मुझे तो पीनट बटर काफी पसंद है सो गुड उसे भी पसंद है आलमंड मेरी मेमोरी स्ट्रांग है मोर देन सॉफ्ट ऑब्वियसली सॉफ्ट है दिस इज वेरी स्टिकी सो रिमेनिंग थिंग इज आइसक्रीम एंड किटकैट व्हाट डू यू वांट आइसक्रीम आई आल्सो वांट आइसक्रीम यार ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों को किटकैट बहुत पसंद है हाँ. बुरा मत लगाना ओके क्रंची ओह गॉड मैक्सिमम तो मैंने ही सब खाया है यू विल हैव दिस किटकैट फॉर यू थैंक यू गिव मी आइसक्रीम एंड आई विल गिव यू दिस आइसक्रीम दिस इज वेनिला आइसक्रीम विद चॉकलेट सिरप वैसे पता मैंने चीयर्स कम ऑन यार और ये थोड़ा सा जैसे कि आपको पता है ये काफी देर से रखा हुआ ये काफी मेल्ट हो गया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी बनता है यहाँ का टेम्परेचर 44 है अभी नहीं है अभी नाइस ये तो बिल्कुल किटकैट जैसे लग रहा है अच्छा ये भी एकदम आइसक्रीम जैसा लग रहा है क्या बताऊं मतलब आग बंद करके कोई भी खाएगा सब लोग मान जाएगा ये तो आइसक्रीम है सच्ची बता तो आई कैन ड्रिंक दिस गड़गड़ पीने जैसा हो गया सो मुझे मिला खाने को पीनट बटर मैंगो आइसक्रीम एंड दिस फ्रूट जूस मुझे मिला किटकैट आलमंड्स नाचोस सोया स्टिक मतलब ये तो ना हम लोगों ने स्विच कर लिया बाकी हम लोगों ने अपने हिसाब से सो गाइस हमारा चैलेंज फिनिश हो गया और हमने काफी एंजॉय किया वी होप कि आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो ये वीडियो इसे मोस्ट ऑफ देखा जाए तो मुझे सॉफ्ट इंग्रेडिएंट मिला मुझे सब कुछ ऑलमोस्ट क्रंची ही मिला हां बट इट्स ओके आई एंजॉयड सॉफ्ट फूड आई आल्सो एंजॉयड सो गाइस अब टाइम हो गया है आज के क्वेश्चन टाइम का हमने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि हमने अपने समोसा चैलेंज मतलब कि अपनी वीडियो में कौन से ब्रांड का समोसा यूज किया था तो सही आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर है हल्दीराम तो आप में से बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था इस क्वेश्चन का बट हमने रैंडम में किसी 3 को सिलेक्ट किया आज के विनर्स के लिए तो आज के शाउट आउट के विनर्स के नाम है आज के शाउट आउट के फर्स्ट विनर का नाम है शिल्पी मिश्रा आज के शाउट आउट के सेकेंड विनर का नाम है जैनब और आज के शाउट आउट के थर्ड विनर का नाम है सीमा खारे सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल 3 ऑफ यू और जिन्होंने आंसर दिया था बट आपका नाम नहीं आया डोंट बी डिसहार्टेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कीजिए हो सकता है उसमें आपका नाम आ जाए तो अब टाइम है आज के क्वेश्चन टाइम में क्वेश्चन का तो आज का क्वेश्चन है तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब चैलेंज के बीच में मैंने पीनट बटर खाया था तो उसके सामने अनुप्रीति ने क्या खाया था जिस राउंड में अनुप्रीति ने जिस राउंड में मैंने पीनट बटर खाया था उस राउंड में अनुप्रीति ने क्या खाया था तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हैशटैग क्वेश्चन टाइम के साथ जरूर रिप्लाई करें और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो फिर से अच्छे से देखिए आपको जरूर पता चल जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम शॉर्ट आउट में आए तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में
हैशटैग क्वेश्चन टाइम के साथ दीजिए और हम दोनों को ही हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, यहाँ हमारी आईडीज आपको दिखाई दे रही होंगी। सो वी होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको जरूर आपको सबसे पहले पता चले। एंड डोंट फॉरगेट वी पोस्ट वीडियो एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड संडे। तो हम मिलेंगे आपसे संडे को, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।